कहाँ से आया था? लगा पूरी ताकत, कहाँ से आया था? खुद ब खुद आया कोई ला के छोड़े? आ? कौन, कोई ला के छोड़े क्या? खुद ब खुद आया उसके अंग में? झगड़ा उसको ना लाए कुत्ते जिसे। हाँ, बच्ची कहाँ मिली तुझे? वो कहाँ मिली? हाँ, कहाँ मिली? सही बोल, कहाँ मिली थी? जोर से बोल। कब्रिस्तान के पास। ये वहां से जा रही थी? कौन सी बच्ची? क्या गंदे अंग से थी क्या वो? नापाकी के हल में थी? तू कौन है? तू क्रिश्चियन के कब्रिस्तान से आया, मुसलमान के कब्रिस्तान से आया? मुसलमान। बेअदब नालायक, कैसे आके लोगों को परेशान करता कमबख्त? क्या बीमारी लगा के मार रहा था उसको तू? हाँ, क्या बीमारी? हाँ, अच्छा इसे घर में से और किस किस को मारने वाला था? किसको भी नहीं। अच्छा बच्ची को कौन से डेट पे मारने वाला था? हाँ, कब मारने वाला था, कौन से डेट पे? हाँ, कितने दिन बचे थे? 1 महीना 4 महीने 10 महीने? कौन सी तारीख, कौन सा साल, कब मार रहा था? हाँ, 1 महीने के बाद मारने वाला था। जकड़ लो जरा उसको, और तेजी जकड़ो। तेरे कुछ बातें हजम नहीं हो रही मेरे को। खुद ब खुद आया, गंदे आंग से आया। सही सही बता, किसने लाके छोड़ा क्या? कौन थी वो जादू करने वाली औरत? थी आदमी था औरत? नाम मत बोल अभी मुझे, मैं उसका नाम अभी नहीं पूछा, मैं आगे नाम पूछूंगा उसका, कौन है वो औरत आदमी। खाली अभी मुझे इतना बता, औरत है तो किधर की? उसके मायके की तरफ की, ससुराल की तरफ की? ससुराल की तरफ की। उसके साथ में और कोई मिलिया ले क्या? औरत आदमिया क्या? एक ही जरूरत है। नामा किसके मतलब? खाली बता, मिलिया ले कोई और? अच्छा वो बच्ची पे जादू चला है वो लोगों ने? क्या लेकर गए थे उसका? सफूरा का जादू चलाते वक्त चप्पल। कौन सी चप्पल? कौन से? जोर से बोल कम वक्त, सारी दुनिया को सुने आना, बाप का दिल रात चल रहा है। पैर की। अच्छा कौन से कलर की चप्पल थी वो? फिरोजी कलर की। अच्छा कब चोरी करे थे? कितना टाइम हो रहा चुरा कर वो लोगों ने? 2-3 साल से जादू चला रहे थे बच्ची पे? सही बोल। चलाने वाले जिसने चप्पल चुरा के ले गए, उसके मायके के ससुराल के? ससुराल के। शादी होगी, कितना टाइम हो रहा? जोर से बोलो। 3 साल हो गए। और उसकी चप्पल चुरा कर कब ले गए थे, कितना टाइम हो रहा? जकड़ो उसको तेजी से, जकड़ो उसको। देखो तीनों दवाखाने बुली जा रही थी बच्ची को हैदराबाद को, उसकी ओपन हार्ट की सर्जरी करने के लिए। और क्या कर रहे थे तुम उसके हार्ट की सर्जरी कर दे? कहीं के लिए ली जा रहे थे हैदराबाद को उसको? हार्ट की तबीयत, हार्ट जोर से बोलो, हार्ट का प्रॉब्लम है बोलकर हैदराबाद ले जा रहे थे। क्या यहाँ इलाज कर रहे थे औरंगाबाद में? औरंगाबाद चल रहा है। फिर क्या कर रहे थे तुमने उसका? गोलियां दवाएं चल रही है। वहाँ हैदराबाद को क्यों ले जा रहे थे, किस लिए ले जा रहे थे? सर्जरी के लिए जा रहे थे? सर्जरी वर्जरी नहीं थी, सर्जरी का कुछ बोले नहीं थे वहाँ, बताने को ले जा रहे थे हैदराबाद तो बम्बई में, बम्बई हैदराबाद सब पक्का नहीं था, सब बताने ले जाने रहे थे। किस चीज को दिखाने ले जा रहे थे? हार्ट के वास्ते ले जा रहे थे, दिल बताने के लिए। हार्ट का जो क्या प्रॉब्लम हो रहा था बच्ची को तुम्हारे? हार्ट को बोले तो चलने में दम चढ़ा, फिर कभी पैरों में सूजन आ जा रही है। औरंगाबाद में 1.5 साल से अपनी इलाज कर रहे, 1.5 साल से इलाज हो रहा था, 1.5 साल में ना कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं आ रहा था। अब डॉक्टर ने बोले कि बोले उसको बच्चा भी नहीं होगा, औलाद नहीं होंगी, सब बोलते थे। इतने दिन की मेहमान है, 6 महीने की मेहमान है, साल भर की और देते हैं, बोलते रहो। 4 महीने की मेहमान है, 6 महीने की मेहमान है, साल भर की मेहमान है, ऐसा चल रहा। और बोले थोड़ा बहुत कम ज्यादा बदल के दे रहे थे, जैसे सूजन चेहरे पे पैरों पे आई तो शरीक कर दे रहे थे, आईसीयू में रख रहे 2-4 दिन, अच्छा देखा, फिर बाद में डिस्चार्ज कर दे, घर पे आए थे और जैसी वैसी तबियत हो रही थी। देखो ये अल्लाह के कलाम की ताकत है, कुदरत का मौजज़ा इसको बोलते हैं, कुरान का अल्लाह दिया। अल्लाह के मैंने उसके हाथ लगाया कि मैंने उसको
कुछ कराएगा, खाली इतने दूर से खाली पढ़ते कैसा उसको पकड़ लिया जकड़ के, कैसा उन्हें सामने आया और आके कैसा बयान कर रहा, इससे पहले कभी हाजिर नहीं हुआ उन्होंने, इससे पहले दवाखाने को ले जा रहे थे बोलते वो बच्ची को औरंगाबाद में एडमिट कर रहे हार्ट में उन्हें क्या कर रहा था, कुछ क्या कर रहा था, दर्द कर रहा था, बेचैनी कर रहा था, हार्ट में बोले तो सांस लेने में तकलीफ होती थी या दम चलता था, और हाथा पांव को सुजा रहा था, हाथ पैर सूज रहे थे, खाली नाम अभी नहीं पूछा, मैं नाम वक्त पे पूछूंगा दूसरे राउंड में, पहले राउंड में नहीं मेरे हिसाब से। और दूसरी बात क्या बोलते, तो ये बच्ची को कितनी बार लाए यहाँ, पहली बार लाए दूसरी बार, पहली बार लाए, हाजिर उसका कब हुआ, पहले बार में, पहले बार में हुआ, ऐसा था सबका अलग अलग था, रिपोर्ट निकाल रहे थे, वो रिपोर्ट आए ना, रिपोर्ट कैमरा मारो, जकड़ लो इसको और तेजी से, ये लेटर, ये कौन सा है, हैदराबाद जाने का, कहीं भी ले जाओ वाले लेटर लिख दिए, ये लेटर लिख दिए थे, रिफर कर दो दूसरे हॉस्पिटल को बोल के, कहीं पर भी ले जाओ, ले जाओ उनको बोलकर, वो अपने फाइल आउंगे सब पड़े आए। तो देखो ये कुदरत का निजाम है, जहाँ पर दवा गोली अगर कार नहीं करती तो समझ जाना वहाँ पर दूसरा खेल है, क्योंकि दवा गोली और मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि दिल निकाल के दूसरा दिल बिठा सक रहे, दिमाग निकाल के दूसरा दिमाग बिठा रहे, तो फिर जब बीमारी दवा गोलियां खाने के बाद बार बार दुरुस्त नहीं हो रही तो समझ जाना कि वहां कुछ ना कुछ अदृश्य ताकत है, कुछ ना कुछ दूसरी दुनिया की ताकत है परेशान कर रही, इसलिए फौरी खुद इलाज करो, खुद का खुद करो, मगर कलाम इलाही पढ़ के करो, अगर तुम्हारे को कोई, और झूठे मूठे तो बहुत बटियाले, झूठे मूठों के पास जाना नहीं, उल्टा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देते, छोटे मोटे जादूगर आता कुछ नहीं भिखारियों को परेशान करके उल्टा तुम्हारा और ज्यादा, इसलिए उनके पास जाना तो सख्त मना कर अल्लाह हदीस में, सिर्फ अल्लाह वालों के पास जाना, बुजुर्गाने दिन के पास जा सकते, दरगाहों पे जा सकते, और तुम खुद कुरान और अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थाम के अपना इलाज कर सकते। ये देख लो क्या है, ये देखो कैसी बात है, अब मैं तो मेरी जबान ही नहीं बोल रहा हूँ, सब उनकी दास्तान है, देखो जकड़ के रखो उसको और तेजी से, क्या क्या तकलीफ दे रहा था रे तू बच्ची को, क्या दे रहा था, जोर से बोलो तो अभी काट दूंगा, सांस फूल रही थी, और क्या कर रहा था, सांस फुला रहा था, और दोनों मियां बीवी में नफरत भी डाल रहा था, दोनों मियां बीवी में नफरत डाल रहा था, हाँ जोर से बोल सबको सुने ना, नफरत डाल कोई बोले तो दोनों में नफरत डाल कर बोल के, किधर के थे वो लोग, इसके मायके की तरफ के थे, ससुराल के, अभी नाम मत बोल, जब मैं नाम पूछूंगा जब नाम बताना, औरत ने बोलिया भी नहीं बोला, औरत बच्ची का और क्या लिए थे जादू चलाते वक्त, कौन से कलर की, फिरोजी कलर की, और चप्पल कौन से कलर की, चप्पल ब्लू कलर की, देखो ये ऐसी हरकतें नहीं करना, तुम जादू अंडोने करेंगे लोगों के ऊपर और ये सोच के करेंगे कि तुम्हारा नाम बनमुट्टी मिलेगा नहीं तो तुम जिंदगी खराब करेंगे, ये गलत सोच है तुम्हारी, देखो मैं तो कुछ करा भी नहीं, टच भी उन्हें खुद आके यहाँ सबको बयान करना पड़ता मेरे सामने, ये अल्लाह ने दिया निजाम है, ये खुदा की कुदरत है, ये कोई मैं इल्म सीख के कुछ नहीं बढ़ा, ये अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से होने की वजह से अल्लाह ने उसे रुतबा अता करा लिया, दुनिया तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, दुनिया अल्लाह और उसके रसूल की है, तो तुम दुनिया में मनमाना नहीं कर सकते, तुम कितने मनमाना करेंगे क्या भी करेंगे, तो तुम्हारी तो बिल्ली दूध पी रही आंखें मुझ के तुम्हारे समझ रहे कोई देख रहा नहीं है, तो तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफी है वो, क्योंकि खुद के हाथों से तुम खुद की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, आखिरत भी बर्बाद कर दे रहे हो, और ऐसा दूसरों की जिंदगी बर्बाद नहीं करना बहुत गलत बात है, एक महीने में उसको मार रहे तुम सोच के करे जादू टोने, मगर देखो मारने वाले से बचाने वाला अल्लाह पड़ा है, कैसा वक्त पे लाया है यहाँ पे, ऐसी बात रहती, जकड़ो उसको और तेज से, और इसके घर में क्या क्या परेशानियां कर रहा था, बच्ची के बाप को, माँ को, सही बोल, तेरे साथ में और कितने काले कपड़े पहन के फिर रहे तुम उनके घर में पूरे नालायक हो, सब मालूम है मुझे, कितने तेरे साथ यहाँ, कितने जोर से बोल, तीन चार, किस किस के आंग पे हो उसके घर में, और नहीं किसके भी नहीं, तीन चार ऐसे खुद बहुत खाली तो नहीं फिरते आंगों पे होंगे, किस किस के छोड़े वाले, किसके भी नहीं आंगों पे, सही बोले तो पूरा जवाब, नहीं नहीं किसके नहीं, किसके नहीं,
छोटी बहन परेशान है आयशा फिरदौस। क्या हो रहा उसको? जलाते वक्त खुद परेशान हो गए कि हाथ काट लेगी, कभी हाथ नहीं काटती हो, आयशा नाम है। मेरा बता रहे वो बच्ची क्यों परेशान हो रही, उसके ऊपर की तरह वाला है क्या किसी ने? नहीं कुछ नहीं मालूम। और हमारे घर वालों को भी दिख रहे काले काले पुतले रात में। तुम लोग आज दिख रहे कह रहे हो उनके घर वालों को काले काले जुबों में फिर रहे तुम? ये पिशाच नामक जी ने ये क्या करता, ये नालायक गर्दन में से दांत गड़ा के खून पीता और खून पी पी के पेशेंट को कमजोर कर देता और कमजोर कर करके बाद में उसको फौत कर देता, खत्म कर देता, उसकी डेथ कर देता और साथ में ले जाता और साथ में ले जाकर रहता। सही है कि नहीं रे? क्या क्या करता तू बोल, खून पीता नहीं पीता इसका? रोज पीता क्या, कब 8 दिन में बार पीता, कैसा पीता? रोज पी रहा उसका खून? जानवरों का पीना रे, इंसानों से क्या रहे? गलत बात है ना, जहाँ अल्लाह ने तुम्हारी गिजा रखा वहाँ जाके पियो ना रे। गलत दुनिया में एंट्री मार रहे ना, फिर मैं मारूंगा, हाथा काट दूंगा, मुंडे काट दूंगा, दाता तोड़ दूंगा, फिर मैं बोलेंगे मैंने जुलूम कर दिया। मैं किसी भी जुलूम नहीं कर रहा, तुम नालायक देख मैंने तुम मारा टच करा, मेरी फौज बरोबर मारती, बरोबर पकड़ती मेरी फौज अल्लाह के हुक्म से। तुम मनमानिया करेंगे तो मार तो पड़ेंगे ना रे तुम आपको। फिर बोल अब क्या करूं तेरे साथ सुनो। तुझे खयामत तक के वास्ते कैद करा दूं? कैद में डाल दूं खयामत तक के वास्ते? और क्या, तुझको अपनी बीबी बना के रखा था, इसको मार के ले जाके बीबी बनाने वाला था? अभी तक कितने बच्चों को मारा तूने उसे? कितने बच्चों के साथ शादी करा तूने ऐसा मार के उनको अभी तक बोल? दो तीन। कहाँ कहाँ के मारा, कौन कौन से गांव के मारा? परबनी, नांदेड़। अच्छा, परबनी की कौन सी बच्ची को मारा था, कौन से साल में मारा था? जल्दी बोल कौन से साल में मारा? 15 नवंबर को मारा था परवानी की बच्ची को। कौन से साल में, कौन से नवंबर में? साल कौन सा था वो? 18, 19, 20? 2014। कौन सा? 2014 के नवंबर में परवानी की कोई बच्ची को मारा हो रहा था। कहाँ की थी, कौन से एरिया में की थी वो? हाँ कौन से? नहीं मालूम। सही बोल, सही बोल। मारने को मार रहा लोगों पर और शादियां करके हया लेके मार के और इसको भी ले जाने वाला था, सबको बीबी, अब हम बीबी बना के रख रहा था सब लोगों को। ऐसा ही इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना। बच्चियों को खासकर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये ऐसे पिशाच लग जाते और वो इतने गंदे गंदे हरकतें करते रात में बच्चों के साथ कि जिसकी हद नहीं, और पूरा फिजिकली और मेंटली सब महसूस होता हर चीज जिसमें बीतती उसको पता चलता। इसलिए बच्चों ने क्या करना, खुसूसन रात में सोते वक्त 7 बार आयतुल कुर्सी 7-7 बार चारों फूल पढ़ के अपने तरफ में से उंगली पे फूक के ऐसा डेरा मारना और हथेलियों पे फूक के पूरे आंग पे दम करके सोते जाना, तो तुम महफूज रहेंगे, तुम अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में रहेंगे। ये ऐसे बलाएं तुम्हारे को आके छेड़ नहीं सकेंगे, परेशान नहीं कर सकेंगे। नहीं तो वो बहुत बुरी हरकतें करते रात में आकर और बहुत बुरे, जिस पे बीतता उसको पता चलता, दूसरे को बोले थे दूसरे को तो पता चलता नहीं, लोग बोलते ऐसा होता क्या कहीं, कुछ भी ज्यादा ओवर बातें कर रहे तो ऐसा रहता, वो जिस पे बीतता उसको पता चलता क्या क्या होता और मेरे को मालूम है क्या क्या करता हूँ। तो इसलिए मैं तुम लोग बता दे रहा हूँ कि ये ऐसे तरीके से अमल करोगे तो महफूज रहोगे, इबादत की रस्सी को मजबूती से थाम के रखना। झगड़ो इसको और देर से, और क्या पूछाना है? उनके हमारे वाले साहब को भी कारोबार के हिसाब से तो बहुत भीख मांगने को लगा दे, और इनके को लगा दिए। और क्या नाम है? मोहम्मद रफीक, मेरा नाम मोहम्मद रफीक। का कारोबार कौन थप करे? सही बोल, सही में नहीं मालूम। अच्छा दूसरे है क्या करने वाले? बच्ची का चेवर। अच्छा तू इधर के गैंग में, उधर से दूसरी गैंग है वो? वो नहीं मालूम, इधर का मालूम है, भीको लगा दिए। और वो तुम्हारे को जो करने वाले में वो अलग है, इधर की जो दास्तान ही अलग है। ये किधर से कनेक्टेड है और ये किधर से है? तू बच्ची की ससुराल की तरफ से, मैं की तरफ से? ससुराल। जकड़ लो, सुन क्या बोल रहा हूँ, ससुराल बोल रहा, मैं तो मेरे मुँह से नहीं बोलता, सुन लो क्या बोल रहा हूँ।
अगर ऐसा गलत बात है ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे, ये ऐसे हरकतें करेंगे तो फिर कहाँ जाके बचेंगे, कौन तुम्हारी माफी करेगा, कौन शफात दिलेगा तुम्हारे को, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही तो हो ही नहीं सकती फिर जादू टोने चलाने के बाद में। तुम जाओ अल्लाह वालों के दर पर जाओ, अल्लाह वालों के दर पर जाने से रहमत अजमत बरसती, वहां से तुम्हारे रहमत से फैज याब होंगे, और तुम जाके शैतानों के दर पर जाएंगे तो फिर तुम ये ऐसा करेंगे किसके साथ तो बचने वाले नहीं, बहुत बुरे अजाब में गिरोगे। जगड़ लो उसको और तेज से, क्या औकात है जादूगर भिखारी हूँ तुम्हारे शैतान की, मेरे सामने देखो नाक रगड़ रहा हूँ अभी, मेरे सामने औकात है क्या उसकी कुछ, अरे है क्या रे तेरी औकात कुछ यहाँ पे, तोबा कर उठाओ दोनों हाथों ऊपर, तोबा कर कम बखत में तोड़ दूंगा दोनों हाथों को, चीख मारे जल्दी सुने आना सब, जोर से चीख मार के बताए, यहाँ दाल नहीं गल रही ना ला, तो ऐसा क्या तुम्हारी तुम पूरी कर रही है झेल रहे शैतानों की जिंदगी, तुम्हारे चले जा रहे हैं में शैतानों की पूजा अनुमान तुम्हारे शैतान जेर हो जा रहा मेरे सामने अल्लाह कलाम की ताकत के सामने, इस वास्ते तुम्हारी कोई औकात नहीं है, कलाम इलाही की रस्सी को मजबूती से थामो, अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामो, सब महफूज रहेंगे, सब बातें रहेंगे, अभी ऐसे करेंगे कुछ भी हरकत, कितने बड़े भी जादूगर के पास जाएंगे तो उसने नाक रगड़ने लगा था, मैंने तौबा करने लगा था, शैतान की तौबा, जिंदगी दाल के जादूगर एक शैतान लेता ताबे में, वो उसकी पूरी ताकत रहती है ताउम्र की, और ताउम्र की उसकी ताकत यहाँ नाक रगड़ती है, कुदरत का निजाम है यहाँ, समझे यहाँ अल्लाह के नबी के घराने के आल है चिराग है, तो कैसा अल्लाह उस दौर में भी उनसे काम लिया था, इस दौर में भी आले रसूलों से काम ही लेता अल्लाह बरोबर, और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के औलाद हैं, कैसा करबला में महफूज करा दिया था इस्लाम को, पूरे घराने से शहादत लेके बस आज भी उनकी बच्चों से काम लेता, पूरी दुनिया में मनमाना नहीं करने देता था किसी को भी, बाप का राज चल रहा है शैतानों के खबरस्तान हुसैन कहाँ से भी उठ के आ रहे हैं इंसानों के बच्चों को मार रहे, झपड़ो उसको नालायक को, क्या करूँ रे तेरे साथ बोला, कैद करा दूँ क्या कयामत तक के वास्ते, डाल दूँ जमीन में गाड़ दूँ बाटल में डाल के, नहीं तो एक काम करता तेरे को, तेरा क्या करता दो टुकड़ा कर देता तेरे, एक टुकड़ा तेरा ले जाके शमशान के पास, यहाँ से तू आया था कब्रस्तान से वहां ले जाके गाड़ने लगाता हूँ, दूसरा टुकड़ा बन के हवा में टंगाने लगाता हूँ, करूँ कैसा हो जाएगा फिर तेरा, आते जाते पूरी तेरी दुनिया के लोग देखेंगे और इबरतनाक वाकया बन जाएगा तू उनके वास्ते, बोली सुल्तान ने इसके दो टुकड़े करके टांग दिए, क्या होता था अम्मा सुन्ना में ज्यादा बेचैन हो जाती थी, और ये बच्ची को अम्मा सुन्ना में बेचैन कौन कर रहा था, जल्दी बोलना इसका आर्डर मत बोलो, जबड़ो उसको दे सही, मैं इस करता था एमसी रेगुलर नहीं आती, और मैं इस करता था एमसी भी रात में परेशान करता था, तो उसको रात में अपनी बीबी के जैसा बना के लिए रखता था उसको, अरे बेचैन रहते थे, अरे जोर से बोल, कमीने तेरे बाप का राज चल रहे से, तो आकर के बोला तेरे दुनिया में जाके वहां मनमाना करना, इंसानों की दुनिया में क्या ऐसा, नाम तो मैं आगे पूछूंगा किसने डाला था क्या करा था वो सब बताऊंगा, ये आगे सुनाना रे नाम नहीं को, अभी मैं नाम पूछा नहीं नाला है कम बखत, और तू ये बच्ची को कुछ चीज में कुछ खिलाया वाला है क्या, नहीं खाली जादू करे वाला है, ठीक है, और उसके दूसरे बहन पे दूसरा है क्या, वो अलग है, वो कुछ नहीं मालूम, इधर से आ वाला इसको इधर की दास्तान मालूम है, तुम्हारे घर की जो चल रही वो अलग है, ये अलग दो दो पार्ट चल रहे हैं वहाँ पे, दो दो पार्ट है, बच्चे परेशान रह रहे हैं, अब मैं जब उतारा कर मेरे पे भी बदहावी हो जा रहा हूँ, तुम्हारे अंदर के घबरा रहे होंगे जी, वो जो ये देख के इसको कैसा जला रहे हो, वैसा उसको भी जला रहे हो, घबराहट हो रही है, और नमाज को दिल नहीं लग रहा, कहीं में दिल नहीं लग रहा, इसमें उतारा करे तो 7 दिन हो गए उतारा, उतारा तो वही करता हूँ, खैर अमल सब करो जल से खत्म हो जाना, बस देखो ना बुलाए ना तुम्हारे सामने बैठा थे लाली ना सामने पकड़ के, तुम तो बीमारी बीमारी समझ रहे थे, मेरे को इतना परेशान करती थी बीमारी है बीमारी है, तुम वाला लेके आओ ना सामने बता दो, तुम्हारा वो पोजीशन नहीं थे ना 4 दिन, वो पोजीशन में नहीं थे ना, अब 8 दिन में अपन अब होगा कि यकीन, अब देखे क्या नहीं ना, वो सुजन वो थोड़ा मुंह को बन के बैठो, जरा कैमरा चालू है ऊपर की जो, तो अब देखे ना अब कैसा है, तो आया ना सामने, अब खाली कौन करा क्या करा नाम अभी नहीं पूछूंगा, नामा जब उसका शोहर बोलेगा नाम पूछाओ, या उधर से जो भी अभी है उसका शोहर कहाँ है, वो नहीं आ रहा जा रहा नहीं जा रहा,
उनका मसला क्या था पहले से, डेढ़ साल डेढ़ छह महीने में आके बैठ गया अपने पास, तो फिर उधर से नोटिस आना शुरू, क्या मेरा लोग नोटिस भेज देना शुरू कर दिया था उसने, अपने वकील से नोटिस भेजना शुरू कर दिया नोटिस का जवाब भेजे। फिर फिलहाल में क्या हुआ कि हमारे भाई साहब ने बीच में सीरियस हो गए थे, भाई साहब ने बोले बच्ची तुम्हारी अभी निकाह में है, वो सीरियस है बोल के हो आना जाना शुरू हुआ, अभी वही फोन आया था। अरे उसके शोहर से कौन लड़ा रहा था उसको, हम अच्छे नहीं है, तू लड़ा रहा था, किरकिरा लगा रहा था तू मम्मी अभी भी में नाला, हाँ बता सही है तो पूरा काट दूंगा। हाँ क्या कर रहा था, दूसरी शादी करने का बोला था, हाँ क्या कर रहा था तू रे, छोड़ देना बोल के मेरे को बोले करो के जोर से बोल आवाज बुलंद करो बोले तेज से छोड़ देना बोल के लो सुनो मियां बीवी में झगड़े हो रहे थे तो शैतान बोल रहा हूँ उसको हुकुम दिया था मियां बीवी में झगड़े लगाओ और तलाक कराओ बोल के बोल रहा हूँ उसकी जबानी सुनो। अरे और क्या बोले थे बाद में बच्ची को मार दो बोले थे, अरे वाह मनमाने अच्छे चल रहे तुम्हारे बाप की जागीर है, दुनिया दुनिया किसकी जागीर है, हाँ दूसरी शादी करने का बोला। अरे तुझ करा रहा था जाके उसके मन में वसवसे डाल रहा था दूसरी शादी के, चलो लो इसको और तेज से, चलो इसको बंद के डाल दो इसको जंजीरों से तेज के साथ में, इसको मार के सारी तंत्र मंत्र की क्रिया सब खत्म कराओ और बाद में मैं नाम पूछूंगा इससे, जब तक उसको बंद के रख के मारते रहो, बच्ची की घबराहट बेचैनी उन्हें दोबारा होने नहीं देना, करना नहीं उन्हें उसको, ऐसा डालो जंजीरें तो उसको घबराहट बेचैनी और उसका जो भी परेशानी है सब दूर कराओ तेज के साथ में। देखो ना तुम्हारे सामने लाया ना मैंने पूछा रहा हूँ ना सब, तो बीमारी तो बहुत उड़ा मारते बीमारी बीमारी करके, अब क्या आया सामने देखो, अब यहाँ आने के बाद अकल काम नहीं करती, अकल हैरान हो जाती है, यहाँ अल्लाह का निजाम चलता था। चल रहे तो वाकर जोर से कर चीख मारे जल्दी जोर से आवाज बुलंद ताकत से चीख मारे जोर से, चल देखना नहीं मैं, चल पलट पीछे छोड़ उसको बाहर निकल पड़ रहे, छोड़ इसको नाला इसको बाहर ले जाकर बन के डालो उसको, उन्हें दोबारा उसको काटना नहीं कुछ करना नहीं, भग भग क्या नाम है सफूरा, सफूरा फाइनल होते मेरे सफूरा। अरे क्या होगा जी क्या हुआ, ये कौन है देखो इधर कौन है ये, अच्छा याद आ गया अभी कुछ हुआ, सवाल जवाब कुछ याद है, हाँ कैमरे वाले थोड़ा नजदीक आ सुने आना आवाज, कुछ याद है क्या अभी कुछ सवाल जवाब वाले, अच्छा तुम्हारे आंग में भी कुछ है थी क्या क्या बात करके गा वो क्या क्या दिल की तकलीफ और क्या क्या तकलीफ वो सब बोला बहुत सारे बातें और बहुत सारे और भी रास के बातें थे मगर मैंने एकदम वो रास के बातें नहीं पूछा क्योंकि एकदम भी रास को पर्दा तेरा देना एकदम भी सामने जाहिर करना वो नहीं है, वो क्या बोलते हैं जरूरी नहीं रहता, इन शॉर्ट में थोड़ा बहुत बात पूछा दिया अकलमंद को इशारा काफी रहता, बाकी ज्यादा बात पर्दा रास की लाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं मालूम है क्या करता क्या हरकत रहती जिन्ना को मैं कौन सा जिन्ना था कौन सी कसम थी वो सब खैर भस्म करेंगे आगे और भी पूरे तरीके से कार्रवाई करा के अल्लाह की सब हमला, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सब लोगों से कि इबादत की रस्सी को तुम लोग मजबूती से थाम होंगे तो तुम्हारे पे ऐसे कुछ हरकतें नहीं होंगी, तुम हिफ्ज़ो अमान में रहेंगे अल्लाह के, ये चीज़ों के वजह से अल्लाह ने दुआ को मोमिन के लिए हथियार बना के रखा, तुम दुआएं याद करो हर चीज़ की दुआ रखो हर चीज़ की दुआ याद करो तुम महफूज रहेंगे, तुमको कोई दूध में दवा मिला के पिला रहा तुम दूध की दवा पढ़ के पी रहे तो दवा का असर नहीं होगा थोड़ी देर के बाद निकल जाएगा, तुम खाने की दुआ पढ़ के खाएंगे तो खाना उल्टे निकल जाएंगे, तुम बैतुल खला में दुआ पढ़ के जाएंगे संडास में बाथरूम में वॉशरूम में तुम वॉशरूम के अंदर तुम पे कोई बला हमला नहीं कर सकती वहां दुआ पढ़ेंगे वॉशरूम की दुआ जो रहेंगी तो जैसे हर चीज की दुआ पढ़ेंगे तो तुम महफूज और हिफ्ज़ अमान में रहेंगे अल्लाह के, बाकी तो तुम मैं क्या बोलूं
कितने भी बड़ा जादूगर रंधन क्या भी रंधो मेरे को अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया ला इसी दास्तान से नवाज वाला है कि उसके जादूगर को हमेशा हमने नाक रगड़ना पड़ता। जादूगर की पूरी जिंदगी की सिद्धि एक शैतान एक चुड़ैल कुछ तो भी रहती, और शैतान और चुड़ैल की क्या हैसियत है यहाँ पे देख लो, क्योंकि ये अल्लाह के कलाम का निज़ाम है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मौजज़े जो दिखते वो अल्लाह के हुक्म से दिखते, मौजज़े कोई खुद से नहीं दिखा सकता, समझ गया ना। अभी जो भी तुम देख रहे हो यहाँ निज़ाम इलाही ये सब अल्लाह के हुक्म से चलता, पर जब अल्लाह का निज़ाम है तुम गैरुल्लाह के दर पे जाएंगे तो बहुत बुरी बात है, और काफिरों के पास जाएंगे और बुत परस्त वालों के पास जाएंगे जादूगरों के पास जाएंगे तो खत्म, तुम्हारा दीन दुनिया आखिरत सब बर्बाद हो गई। इस वास्ते तुम जाओ मना नहीं कर रहे तुम, मगर अल्लाह वालों के दर पे जाओ, काफिरों बुत परस्ती जादूगरों के पास जाना तो सख्त मना है, और बुजुर्गाने दीन के दरगाहों पे अल्लाह वालों के पास जाने से तुम्हारा कोई नहीं रोका नहीं टोका नहीं। जब गंदी रूहें जिन्नाता शैताना जादू टोना ऐसा कर सकता तो फिर पाक रूहें फिर हटा क्यों नहीं सकती। तो बहुत सारे बातें बहुत सारे राज है, तुम क्या बोलूंगा, इल्म समंदर है जितना भी सीखा तक हमें। और मैं कोई किताब में के पढ़ के कहानियां किससे नहीं सुनाता हूँ, मैं जो प्रैक्टिकल में देखा और पूरी दुनिया को जो प्रैक्टिकल में मैंने दिखाया वो बताता हूँ। मैं किताब में कहानियां पढ़ के तुम्हारे नहीं सुना रहा हूँ, किससे नहीं सुना रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल वाला तजुर्बा बता रहा हूँ जो डायरेक्ट मैंने देखा और पूरी दुनिया को बताया मैंने। मेरे बेटा देख लो उसके अंदर सब कुछ बता दिया है, मैं कहानियां किससे नहीं सुनाता। इसलिए अल्लाह सब लोगों को कहीं सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, पांच वक्त की नमाज पढ़ो। एक बार तुम नमाज अगर कंटिन्यू पढ़ेंगे आठ दिन पांच दिन दस दिन ऐसा नमाज कंटिन्यू पढ़ो, बाद में तुम्हारे बन के भी डाले तो तुम खुद ऐसा बेचैन होते नहीं नमाज पढ़ने जाने का, नहीं नहीं और जमात के साथ पढ़ने की आदत हो जाती तुम्हारे नमाज। तो ये नमाज तुम्हारी ढाल है, दिन का सुकून है चैन है। इस वक्त अल्लाह को तुम्हारी इबादत की गरज नहीं है, तुम जाएंगे सजदा करकेंगे और अल्लाह पे एहसान करेंगे, गलत। अल्लाह के पास ऐसे ऐसे फरिश्ते हैं जो हजारों सालों से सजदे में हजारों सालों से रुकू में तो उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, वो तुम्हारे वास्ते इस वास्ते इबादत दिया रही है, तुम्हारी ढाल है वो बोल के समझो। चलो खैर बहुत बोलने पर चलो रोक लो।